से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चली यारी, दिल ये कह रहा। गैर से हुआ खुद से भी ना कोई मेरा, दर्द से कर ले चली यारी, दिल ये कह रहा। खोलूं जो जाने कैसे कोई सहता जुदाई, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी ये भीनी रे भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, आंखें भीनी रे भीनी रे भीनी, यादें झीनी रे झीनी रे झीनी। खो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था, वो मेरा दिल खो गया वक्त से चुराया था जो अपना बनाया था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल। तो जी नमस्ते, हम आ गए हैं फिर से और आप लोगों के लिए रीडिंग लेके। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम जो है अपना थोड़ा नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, समय लगता है हर चीज़ को थोड़ा सा, तो हमको भी लगता है कि हमको कैमरे के सामने नहीं आना है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमने अपने आप को हाइड कर रखा है, बट ठीक है, आप लोगों के लिए रीडिंग तो हम नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारा वेट करते हैं रीडिंग के लिए और बहुत सारे लोगों को कुछ गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए जो है हम रीडिंग आज लेकर आए हैं। और रीडिंग का टॉपिक ऑब्वियसली हमेशा की तरह रैंडम रीडिंग है, ठीक है। और जो हम आज टैरो डेक इस्तेमाल कर रहे हैं वो है गार्जियन ऑफ द नाइट टैरो, ठीक है। हम आपको दिखा देते हैं, ये वाला टैरो डेक है गार्जियन ऑफ द नाइट टैरो, ठीक है। ऑब्वियसली पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं हम आज इसका। रखा हुआ था 2 महीने पहले से, लेकिन यूज़ नहीं किया था। ये एक बार यूज़ कर चुके हैं, सोर्ड ऑफ लाइट और एकर। इसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर कट मैसेज आते हैं, एकदम जो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वही मैसेज इसमें से आता है, जो कि बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कल कन्फ्यूज हो गए कि रीडिंग में उनको करना क्या है। तो हमने ये आर्कएंजल माइकल सोर्ड ऑफ लाइट ओरेकल निकाला है, ठीक है आपके। तो पहले हीलिंग दे देते हैं आपको, ठीक है।
पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड कीजिएगा, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और जैसा कि आप लोग बोलते हैं कि जब भी आप रीडिंग करते हैं तो पीछे शोर ज़रूर आता है, तो हम बताइए कब करें रीडिंग, बताइए, रात को 3 बजे 4 बजे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जग ही रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन उस समय जो है, आपको पता है कि स्ट्रे डॉग्स जो है उस समय बहुत शोर मचाते हैं, तो वो बैकग्राउंड नॉइज़ भी बहुत हमको डिस्ट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली। तो इसलिए हम ज़्यादातर जब हमको बिल्कुल समय मिलता है, हम उसी समय रीडिंग करने के लिए प्रकट होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे पर्सनल मेल पे karma.tarot1111@gmail.com, ठीक है। किसी को अगर भिंडी तोरी और शिमला मिर्च चाहिए तो वो यहाँ पे आके ले सकते हैं। बहुत मज़ा आता है बहुत सारे लोगों को बैगन धनिया पुदीना सुनने में। अच्छा है। तो आज इसका पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली बिल्कुल पहले से ही रेडी हैं, पहले शफल से ही। तो देखते हैं, मैट फिनिश में ये कार्ड्स हैं, जिसको चाहिए वो ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ठीक है। और ये पहला कार्ड आया है, और कार्ड का इमेज आपको कुछ इस तरीके का दिखता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, ठीक है। तो देखते हैं पहला कार्ड क्या है। लेकिन हीलिंग से जो हमें वाइब्स आई हैं, कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत परिवर्तन चाहते हैं, पता नहीं किसकी एनर्जीज आई है, लेकिन किसी को किसी चीज़ से ना एक चेंज चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए अपनी ज़िंदगी में। जो भी मामला है, कुछ कुछ लोगों को ज़रूर अपना जॉब चेंज करना है, कर नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना है, आ नहीं पा रहे हैं। कुछ कुछ लोगों को अपना घर चेंज करना है, कहीं लोकेशन चेंज करना है, बाहर शिफ्ट होना है, अब्रॉड आना है, अब्रॉड से अपने देश में वापस आना है, कुछ भी। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली बहुत सारे लोग चाहते हैं, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे लोगों के मन में एक अजीब व गरीब व्याकुलता चल रही है, जो हमें हीलिंग के दौरान पे जिस हिसाब से जो साउंड है वो देखिए, हमें जो महसूस होता है वो हम आपको बताते हैं, बाकी आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप लीजिएगा। लेकिन हाँ, कोई लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी में, मतलब ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा है, ऐसी एनर्जी हमें दिखाई दी। तो चलिए पहला कार्ड देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला कार्ड 3 of Swords है, ठीक है। कुछ लोगों ने कुछ चीज़ों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है अपनी ज़िंदगी से, निकाल के बाहर फेंका है, और वो चीज़ आपको बहुत दर्द दे रही है। पहला कार्ड है ये, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हमने ग्रैब किया है थोड़ा सा वैसा है। ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोग चाहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर अभी भी आप उस सिचुएशन में अपने आप को स्टक पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो चेन है, जो जंजीरें हैं, वो हमको ऐसा दिखा रही है कि आपके, मतलब 3 of Swords का कार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे एक हार्ट है जिसपे एलिफेंट के सींग जो है वो बहुत बुरी तरीके से सोर्ड्स की तरह, मतलब बिल्कुल छिन्न भिन्न आपके दिल को कर रहा है। हालांकि यहाँ पर ये जो जंजीर है वो हमको एक स्टक वाली एनर्जीज दे रहा है, 8 of Swords वाली एनर्जीज भी दे रहा है। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। हम कैमरे को थोड़ा सेट करते हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये पहला कार्ड है, हमको इसको यहाँ रखते हैं। दूसरा कार्ड आया है यहाँ पे मैजिशियन का, ठीक है। ज़िंदगी में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ एक चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं कि एक मैजिक हो और चीज़ अपने आप ठीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली जिस हिसाब से आपकी, आप लोगों की एनर्जीज़ है वो इतनी पेनफुल है कि आप कुछ भी अपने डिज़ायर्ड गोल्स के लिए, कोई भी एफर्ट्स लेने के लिए अभी तैयार नहीं हैं, या शायद मेंटली
वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि यू आर मेंटली वेरी स्ट्रेस्ड, यू आर मेंटली वेरी डिस्टर्ब राइट नाउ. क्योंकि पहला कार्ड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का हमें ये बता रहा है कि इस समय वाकई में आप लोगों को, आप कुछ भी स्टेप लेना लेने के लिए अभी जो है कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जीज हैं, स्टक वाली एनर्जीज हमें मिल रहा है कि अभी भी आप किसी ना किसी सिचुएशन पे, हो सकता है उस सिचुएशन को आपने हमेशा के लिए छोड़ दिया है, बट स्टिल समवेयर यू आर अटैच्ड, ऐसा हमें दिखाई दे रहा है. पहला यहाँ पर कार्ड आया है, एक मिनट, यहाँ पर आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स. ठीक है, तो आप लोग तो भाई एक गाय है, गाय है, गाय कितनी मासूम होती है आपको भी पता है, उसके सींग होते हैं लेकिन फिर भी ना वो शुरुआत में कभी भी हमला नहीं करती है गाय, उसको कितना भी परेशान करो. ठीक है, वो 10 बार लात जूते खाता है गाय, उसके बाद हमला करता है. तो मतलब अभी आपकी एनर्जीज भी हमें थोड़ी बहुत वैसी दिखाई दे रही है कि अभी आप झेल रहे हैं, आपकी अति हो नहीं रही है, आप ये सोच रहे हैं कि ठीक है जब तक सोच रहे हैं चले. हालांकि आपके पास आपके बचाव के चीज़ें अवेलेबल है लेकिन आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं. आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि भाई जितना जिसको जो बोलना है बोलते रहो, हम अभी झेलेंगे. जब तक हमने बोला ना कि एक सोते हुए शेर को जगाने वाली एनर्जीज वो है, अभी भी हमारे शेर जो है वो सो रहे हैं, डेफिनेटली अभी भी हमारे जो शेर हैं वो सो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं. किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन ये एनर्जीज है, ये एनर्जीज है, ये एनर्जीज है. यहाँ पर जो है मजिशन होने के बावजूद भी बियर क्यों है, वाई, लेजी, लेथार्जिक, वाई, क्यों? क्योंकि ये स्थिति है. तो ये और ये कहाँ जाएगा जब स्थिति ही ये है. ये पहला कार्ड आया है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत तकलीफें हैं वो दिखाई दे रहा है. ठीक है, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप लोग होपफुल हैं, थ्री ऑफ वॉन्ड्स. हमने शुरुआत में बोला था कि बहुत सारे लोग जो है किसी भी सिचुएशन से मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति, यू वॉन्ट टू बी लाइक अ फ्री बर्ड जो उड़ जाए. ठीक है, उड़ जाए, लेकिन वो चीज़ क्योंकि नहीं हो पा रही है इस एनर्जीज की वजह से. ठीक है, तो आप लोग कहीं पे भी किसी भी दिशा में ठीक से अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज है. एंड सी यहाँ पर जो एक मून है वो कितना वॉर्म है, कितना, मतलब कितना कोजी सा है, कितने एकदम होता है ना सर्द रातों में हल्का सा जो है गरम वॉर्म फेज ऑफ मून. ठीक है, ये बहुत शीतल मून नहीं दिखाई दे रहा है, ये बहुत वॉर्म सा है. ठीक है, तो आप लोग, सी हमने बोला बहुत सारे लोगों को ना अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही होगा, कुछ ऐसा आपको करना होगा जो आपको अपने काम में. ऑलरेडी कल हमने बहुत लोगों को बोला था कि यू हैव केप्ट योर सेल्फ वेरी बिजी राइट नाउ, अपने आप को बहुत बिजी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोग ना कहीं कहीं पर जाके स्टक होते हैं बीच बीच में, और आपको नहीं समझ में आता कि आगे क्या, आगे क्या. स्थिति ही कुछ ऐसी है. आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हों. ठीक है, हम क्या करें बताइए, हमको कैमरा भी ठीक से सेट करना अभी तक नहीं आया है, क्योंकि हम अपना थोबड़ा दिखाते थे ना, तो हमारे ऊपर कैमरा रहता था तो ज़्यादा जो है झमेला झाटी नहीं होता था, अभी तो झमेला झाटी होएगा ही होएगा, हम क्या करें बताइए. और ये कार्ड्स भी इतने बड़े हैं कि 16 अगर कार्ड, 14 या 16 कार्ड अगर हम लेते हैं तो कहाँ रखेंगे, वही हम सोच रहे हैं, क्योंकि कैमरे में दिखना भी चाहिए ना, इसको कितना हटाएं हम, इसके नीचे नीचे पोजीशंस में हम रखेंगे कार्ड्स. अभी यहाँ पे एक और कार्ड आ सकता है वैसे, इसको यहाँ रख देते हैं.
थोड़ा हमें टाइम लगेगा, 2-3 दिन में जो है हमें इसकी भी जो है आदत हो जाएगी कि कैसे जो कैमरा को इस साइड पे सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर एक कार्ड आ सकता है। अभी जगह बना ली है, ये रहा था वर्ल्ड। ठीक है, और आपको पता है एक चीज़ आपने नोट की है, ये कार्ड की खूबसूरती देखिए, ये आपको क्या क्या दिखाई क्या दे रहा है आपको? मधुमक्खी है, हनी, हनी भी। हनी भी क्या करता है कभी सोचा है आप लोगों ने? वो मिठास ज़िंदगी में लेके आता है, लेकिन मिठास इस एनर्जीज में कहाँ से होगी? ये हनी भी है जो एक कम्युनिटी को दर्शाता है, जहाँ पर आप, क्योंकि आप खुद देखिए ना, और ये जुगनू वाली भी यहाँ पर थोड़े बहुत जुगनू भी हैं। ठीक है, चमक चमचमाते हुए यहाँ पे फ्लावर्स हैं, मतलब ये कार्ड इतना खूबसूरत है, इतना अट्रैक्टिव है कि कुछ कुछ इसके बिल्कुल बैक साइड का है। देखिए, आपको कुछ कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही होंगी इस कार्ड से। तो हम जो बताना चाहते हैं कि आप, यू आर नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, यू आर लुकिंग हेयर। आप कार्ड, आप बिहाइंड द सीन्स जो चल रहा है ना, वो ये चल रहा है, लेकिन आप अभी इस साइड पे हैं। लेकिन जो चीज़ें होने को है, जो समझ जो आ रही है ना, वो चीज़ें, यू बेसिकली जो चीज़ें हैं ना, यू डोंट नो एग्जैक्टली वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, और ये वर्ल्ड का कार्ड एक वो समय होता है कि जजमेंट के बाद आपको मालूम हो कि ये नंबर 21 का कार्ड होता है। वर्ल्ड कार्ड जो होता है वो जजमेंट कार्ड के बाद आता है। ठीक है, और ये मेजर अरकाना का आखिरी कार्ड होता है, यानी जजमेंट के बाद का समय वर्ल्ड दिखाता है। जजमेंट तो ऑब्वियसली एक भगवान की तरफ से एक जजमेंट का आपका टाइम दिखाता है। अभी रुक जाइए थोड़ा सा, प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कीजिए। तो यहाँ पर जो वर्ल्ड है, तो वो हमको ये दिखा रहा है कि जजमेंट का बाद का जो समय है वो कितना बेहतरीन हो सकता है। बट आप अभी इस एनर्जीज में हैं, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि आपकी ज़िंदगी काफ़ी तितर बितर है। शायद ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू चेंज। फाइनली आप में बहुत सारे बदलाव आपको लाने पड़ेंगे। जैसा आप पहले थे ना, वैसे आपको अब बोला जा रहा है कि भाई 20 साल, 30 साल, 40 साल जैसी ज़िंदगी गुजारी है, नॉट एनी मोर। अभी रुक जाइए, खीरा बैंगन करने दीजिए। ठीक है, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे जो हम बताना चाहते हैं। ऑलरेडी हो गए, हम भूल गए जो हम बता रहे थे। तो यहाँ पर जो मामला है वो आप समझ गए होंगे, हम बताना चाहते हैं। नंबर 21 ना आप लोगों के लिए कुछ सिग्निफिकेंट है। हमें पता नहीं क्यों ये नंबर बार बार ऐसा लग रहा है कि 21 मई को या तो आप लोगों की ज़िंदगी में कोई जजमेंट आने वाला होगा, या फिर कुछ ऐसा जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा। देखिए, हम भगवान नहीं हैं, ठीक है, हम भगवान नहीं हैं, और हम जो है एक गाइड करते हैं, एक आपको बताते हैं कि ये सिचुएशन हो सकती है। और हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो एक माध्यम है, और एंजल्स हमें जो बताने को बताते हैं वो बताते हैं। ठीक है, गणपति जी सामने विराजमान है, जो उनको ठीक लगता है। तो क्या बोलें, कल एक बहुत अजीबोगरीब किसी का कमेंट आया था, और कभी भी उनका कमेंट नहीं आया है। प्लीज़ जज मत कीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैम आप कमेंट से दुखी हो। तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू ऑल, आई एम बस शेयर कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इस बारे में प्लीज़ कुछ भी कमेंट मत कीजिएगा, हम आपको बस बता रहे हैं। किसी ने हमको लिखा कि पढ़ाई लिखाई कर ले, और क्या लिखा था, एक मिनट, पढ़ाई लिखाई कर ले और कुछ काम धंधा कर, लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दे, ये लिखा था कमेंट में।
पढ़ाई लिखाई करने को बोला उन्होंने हमें, ठीक है, और कुछ काम करने को बोला और बेवकूफ़ बनाना लोगों को छोड़ने के लिए बोला, ठीक है। तो अभी बताइए, अभी हम क्या करें? ठीक है भाई, हम तो बनाएंगे बेवकूफ़, ठीक है, हम बनाएंगे। और कर्मा खराब करने वाली बात होती है, किसी को इस तरीके से बोलना, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, हमने बस कमेंट को चुपचाप वहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं, और वो कमेंट आए हुए करीब 6 मिनट या 7 मिनट ही हुए थे, बट हमें लगा कि आप लोग क्योंकि कमेंट्स पढ़ते हैं तो आपस में आप लोग लड़ भिड़ जाएंगे वहाँ पे, कुछ उल्टा सीधा आप बोलो वहाँ पे बोलेंगे। हमें पता है क्योंकि कुछ लोग हमको रिटेलिएट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, मिनी हर्ट होती है तो यहाँ पर जो है हमारा, एंड थैंक्स, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे लिए किसी और से जो है भिड़ जाते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसको जो करना है करे, अल्टीमेटली जो कर्मा देवता है ना वो अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, तो छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। और वाकई में कल पहली बार जो है हमें फ़र्क नहीं पड़ा उस कमेंट से। शुरुआत में जब हमने पढ़ा तो हमने 2-3 बार उसको पढ़ा कि क्या कहना क्या चाहता है, मेल ही कोई दिखा रहा था उस पर नाम, बट पता नहीं अब किसने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का अकाउंट यूज़ करते हैं। सी, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, अब आया है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर फिर से वैसा ही वॉर्म मून है। यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी मून वॉर्म है, शीतलता नहीं है मून में, ठीक है। मून में थोड़ा सा जो है एक गर्म वाली जो होता है ना, गर्माहट है काफ़ी। तो हमको इस चीज़ से क्या लग रहा है कि आपका जो आप लोग धैर्य है ना वो खो रहे हैं शायद, कहीं कहीं बैठे हैं बिल्कुल। ये शेर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो बैठा है, सिंह, और यहाँ पर जो ये टाइगर है ये भी क्या है, ये शेरनी है, ये देख रहे हैं, खड़े खड़े देख रहे हैं। लेकिन सुकून जो है वही, ये इनका इनका डेस्टिनेशन क्या है, सुकून। डिसअपॉइंटमेंट है चेहरे पे थोड़ा सा हमें लग रहा है, बाकी आप देखिए कार्ड को, वर्ल्ड के नीचे रख रहे हैं, वर्ल्ड के नीचे आया है ये कार्ड, ठीक है। पता नहीं, हमें लग रहा है कि वाकई में बहुत लोगों की जिंदगी में एक भारी तब्दीली आएगी, ये बदलाव जो है, ये टाइम है, ये ही टाइम है। मे का आया है ये कार्ड, आया है, हमने सोचा नहीं आएगा, चला जाएगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए जो भी सिचुएशन आपको दर्द दे रही है उसको पकड़ के मत बैठिए, उससे निकल आइए। और इन कांटों के पीछे भी जो है बर्ड्स हैं, एक रैबिट है, और यहाँ पर ये जो मून है, क्रिसेंट मून, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें शीतलता है, इसमें कोई वॉर्म वाली फीलिंग नहीं है। अब यहाँ पे जो पेंटिकल्स है इस तरीके से, ये जो ये फॉक्स है, क्या है, रैबिट्स को एक तरह से अपने पैरों तले रौंदने की कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत एक रिवेंज वाली, अगर आप में थोड़ा सा, अगर आप में ऐसा है ना कि आप ऐसा सोचते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको स्टक रखा है, तो आपके मन में किसी के लिए थोड़े से ना नेगेटिव विचार हैं, उसको बाहर निकाल दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हम क्या बोल रहे हैं, माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है, साफ सीधी बात है। हमारे चैनल पे आप लोग हैं ना, तो कर्मा बिलीवर्स फैमिली में कर्मा बिलीवर्स को कर्मा पे पूरा भरोसा होना चाहिए, तो हम बोल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए, जिसने जो जिसके साथ किया है उसको छोड़ दीजिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सुकून देख रहे हैं इस भालू को, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ है, आनंद की अनुभूति करता हुआ ये भालू यहाँ पर। और 9 पेंटिकल्स, पता है ना आपको कितना इंडिपेंडेंट, कितना खुश नसीब वो महिला होती है जो 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में होती है, बिकॉज उसने अपनी ज़िंदगी में वो सब अचीव कर लिया, फाइनली वो ज़िंदगी के जो मज़े हैं ना वो लेती है। तो यहाँ पर ये भालू है ना, इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये देखो
मज़े ही हैं ज़िंदगी के, आनंद ही उठा रहा है ज़िंदगी के, असली मज़े तो वही इस भालू को ही आ रहे हैं है? तो आप लोग इस भालू की एनर्जी में आइए, ठीक है, भालू की एनर्जी में आइए। ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स ये गाय है और उसके बाद नीचे आया है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो गाय से भालू की एनर्जी में आ जाइए, क्या ही बोले। जो चला गया उस पर गोबर मारिए और यहाँ पे भालू बनिए, ठीक है। अरे यार ये कैसा, किस तरीके से कार्ड आया है, देखा आपने, आपने देखा, शफल ही नहीं किया हमने। ये देखिए क्या बोला था हमने आपको, ये देखिए, ये देखिए, देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए भाई, खुशी का कार्ड है ये, खुश हो जाइए हैं। जजमेंट है यहाँ पे, तो आपकी ज़िंदगी में जितने भी ये जो स्नेक्स रहे हैं ना, स्नेक्स रहे हैं, उनको उनके किए का फल उनको अपने हिसाब से मिलेगा ना यार, कर्मा देवता क्या काम है वो, हमको क्या ज़रूरत है किसी की ज़िंदगी में कुछ ढूंढने की या उनको जो है कुछ बताने की, कुछ उनको समझाने की। ये देखिए ना ये स्नेक है, इसने अपनी यहाँ पे ये खाल उतारी है, ये ना ये स्नेक है यहाँ पे ये खाल है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हो रहा है इसका, ये इस खाल को अपनी क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते हैं केंचुआली केंचुली ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये जो चीज़ है इसको इसने इस स्किन को इसने शेड किया है, ठीक है, और यहाँ पर इसका नया एक उत्पत्ति हो रहे हैं देखो। और ये बर्ड है जिसका मुंह खुला है, ऑब्वियसली ये बर्ड शोर कर रही होगी साउंड, क्योंकि इतना ब्राइट ये स्नेक निकल के आ रहा है। एक तरह से हमें यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है इस कार्ड से वो ये आ रही है कि आपको पता चल रहा है कि आपको पता भी है एक तरह से, लेकिन आप लोग ना मान नहीं रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में भाई कौन कौन जो है वो नाग कौन कौन है। जो भी आपकी ज़िंदगी में नाग नागिन है उनको दूर कीजिए ना, पता आपको है लेकिन आप लोग जाने नहीं देना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम तो है, देखिए हमने आपको शुरुआत में बोल दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आपको बिल्कुल जो है कुछ भी कीजिए लेकिन आपको बस इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी होनी चाहिए कि आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन रेजिस्ट नहीं करना है हर हाल में, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके बेहतरी के लिए ही है, तो इसको आप रेजिस्ट करेंगे ना तो वापस से इसी जंजीर में आएंगे आप लोग, इसी जंजीर पे जो ये कार्ड है यहाँ पर थ्री ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही अलग कार्ड्स हैं, कार्ड्स के इमेजेस भी अलग हैं। और आप लोगों ने बोला था ना कि कुछ लोगों ने हमें मेल पे बोला या पता नहीं किसने बोला कि जो बैकग्राउंड है ना उस पर कार्ड्स आपको इमेज दिखाई नहीं दे रहा है। ऑब्वियसली पहले जो है हमने एक डार्क कलर का जो है एक बेडशीट इस पर लगाया था, ऑब्वियसली टेबल क्लॉथ हमारे पास नहीं है तो हमने बेडशीट लगाया था, तो बेडशीट जो है वो प्रिंटेड था, ठीक है, तो ग्रीन कलर हमको बड़ा अट्रैक्ट कर रहा था तो हमने वो कलरफुल सा लगा दिया था, और वैसे भी हमारा ही थोड़ा तो आपको दिखता था तो कलर, लेकिन जब हमने कभी कैमरा नीचे दिखाया तो बहुत सारे लोगों को जो है दिखाई नहीं दिया जब हम चार्म्स वगैरह की रीडिंग की, तो इसलिए जो है हमने आज जो है ये टेबल क्लॉथ अलग लगाया है। और ये तो बेडशीट नहीं है, ये एक क्लॉथ ही है, ठीक है, खूबसूरत बेहतरीन जिसे बोलते हैं बेहतरीन। एस ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपको पता है कि देखिए ये एक लव का कार्ड होता है, और पता नहीं अभी थोड़ी देर पहले ना हमें हमारे वो सामने जो बोर्ड रखा है उस पर लव लिखा हुआ है वो ही अट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो, या मिनट रुकिएगा थोड़ा सा जी, तो यहाँ पे रखा है ये, क्या करें हम बताइए, कैमरे में भी ऐसा ही है, ठीक है। बाकी के कार्ड्स आपको नहीं दिखाई दे रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो बहुत बड़े बड़े कार्ड्स हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, हैं तो माफ़ कर दीजिएगा हमको। ये रहा एस ऑफ कप्स, ठीक है, तो यहाँ पर जो मामला है वो क्रिस्टल क्लियर है। थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे बहुत सारे लोगों का दिल जो है प्यार के मामले में टूटा है, प्यार के मामले में टूटा है, तो बहुत सारे लोग उसी चीज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बार बार घूम के वहीं आ जाते हैं, कुछ नया क्रिएट कर ही नहीं पा रहे हैं, ब्लॉकेजेस खुद से ही ब्लॉकेजेस क्योंकि इस एनर्जीज में है।
वैसे एक चीज़ बताना चाहेंगे कि आप लोगों की ज़िंदगी में जो है कुछ चीज़ें ऑब्वियसली किसी रिलेशनशिप से लिहाज से कुछ नए लोग आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकते हैं, क्योंकि यू आर वर्थ इट, आप लोग डिज़र्व करते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्यार आप लोग डिज़र्व करते हैं। लेकिन वही है कि क्या आप लोग रेडी हैं या नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जीज है ना, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग बस अपने पास्ट में अटके हुए हैं। यहाँ पर ऑलरेडी फोर ऑफ पेंटिकल्स, हमने आपको बताया था ये कार्ड, आप अपने पास्ट से निजात नहीं पा पा रहे हैं, इसलिए आप कुछ नए लोग नई चीज़ों को अट्रैक्ट अपनी ज़िंदगी में नहीं कर रहे हैं। हम अपना कोई भी आप पे अपना एडवाइस नहीं थोपेंगे, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए। ये देखिए एस ऑफ कप्स के बाद आया है एट ऑफ वॉन्ड्स, ये रहा आउल, तो ठीक है, आपको पता है कि ये गार्ड होते हैं आउल, रात के पहरेदार जैसे बोलते हैं, ठीक है, और ये गार्जियन ऑफ द नाइट टैरो ही है, ठीक है। तो एक तरह से ऑब्वियसली किसी से कम्युनिकेशन आपको आ सकता है आने वाले दिनों में। 21 तारीख हमें बहुत सिग्निफिकेंट लगा था, वर्ल्ड का कार्ड, 20 तारीख भी है यहाँ पे जजमेंट, लेकिन यहाँ पर एक स्नेक है बैकग्राउंड पे, और ऑब्वियसली हमने आपको भी क्या बताया था कि स्नेक ने जो अपना स्किन है ना वो उतार फेंका है, तो ये जो भी पर्सन है तो स्नेक ही, स्किन उतार के फेंकने से क्या होता है, वापस से स्किन आ जाएगी, फिर उतार के फेंकेंगे, हैं तो ध्यान रखिएगा, बस ध्यान रखिएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो आपसे कोई बहुत अट्रैक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे सनफ्लावर्स की वाइब्स है, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्या क्या है बैकग्राउंड में, एक क्रो है, ठीक है, एक तरह से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन आपको मानते हैं, लेकिन क्योंकि आप किंग भी हो सकते हैं मेल अगर हैं तो, और क्वीन फीमेल अगर हैं तो आप, लेकिन ये आपकी एनर्जीज है कि कोई आपको इस एनर्जीज से व्यू करता है, ऐसी एनर्जीज में देखता है, और किसी को ऐसा लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ों के बाद भी आप में बहुत पैशन बहुत है ज़िंदगी को लेके, या लाइफ को लेके, या बहुत क्रिएटिव आप हो सकते हैं। कितना कुछ सफ़र करने के बाद भी ये पर्सन अपनी क्रिएटिविटी को तो निखार तो रहा है, कुछ तो कर रहा है ना, बिकॉज आपने गिव अप तो नहीं किया है, हमको कहीं पे भी गिव अप की एनर्जीज नहीं दिखाई दी। भले गाय बन गए यहाँ पे, भालू भी बन गए आप, फॉक्स भी बन गए आप, चिड़िया भी बने आप, शेर शेरनी सब कुछ बने आप, मधुमक्खी भी बने हुए हो, लेकिन यहाँ पे ये शेर ये पर्सन आपको देखते हैं, और लेकिन ये एक वार्निंग के तौर पे आप इसको कंसिडर करिएगा। ये जो क्रो है, जो एक वॉन्ड लेके एक तरह से, ठीक है, एक पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ करनी है आगे, ओके, इंटरनेशनल टूर बहुत सारे लोग बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों की लाइफ में एक इंटरनेशनल टूर आ रहा है, आउट ऑफ द ब्लू, कैसे भी कहीं से भी कुछ भी करके, पता नहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिले, कोई कुछ आप कॉन्टेस्ट जीते, कुछ भी, या आप अपने पैसा खर्चा करके खुद जाएं, कुछ भी, लेकिन इंटरनेशनल आपका एक टूर हमें इस साल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कार्ड्स हमने ऑलमोस्ट ले लिए हैं, और हमको और कार्ड्स लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सोर्ड ऑफ लाइट वाला जो है वो देखेंगे, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस, हमने आपको बोला था कि आप लोगों ने खुद ही इस एनर्जी को स्लो किया हुआ है, हालांकि ये एनर्जीज बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं, जजमेंट का टाइम है, वर्ल्ड का कार्ड है, कंप्लीशन एवरीथिंग, लेकिन आप लोगों की आपकी इस थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज की वजह से ये स्लो है, अदरवाइज इट इज़ नॉट, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट एक्शन, आप गधे भी बने हुए हो, बताओ, अरे कितना गोबर करोगे, कितना लीड करोगे, और कितना करोगे बताओ,
जिंदगी में और क्या क्या ही क्या ही क्या ही करना है आपको, हमें समझ में नहीं आ रहा। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए। मुश्किल होता है, हमसे पूछिए, हमको पता है मुश्किल होता है। झूठ नहीं बोलेंगे, ना ही हम आपको ऐसा बोलेंगे कि भाई जाने दीजिए, लेकिन बस आपको थोड़ा सा वो कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते हैं। और दुआएं दे सकते हैं कि भाई आप लोगों की ज़िंदगी में चीज़ें बेहतर हो। सोर्ड ऑफ लाइट में से देखते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज लेंगे, ठीक है। अभी तो हमने एक ही का मन बनाया है, हमारा एक ही लेने का मन है, एक ही, ठीक है। लेकिन हाँ जी, आ गया है, खुद से आया है, ये नहीं आया है, वो गिरा है। तो आपने देख लिया होगा, जो गिरा है हम वही लेंगे, और इसकी बॉटम ऑफ द डेक हम नहीं देखेंगे, तो ऐसे ही रख देंगे, क्योंकि ये क्रिस्टल क्लियर वाला कार्ड है। ये देखिए क्या लिखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, गेट योर पावर बैक, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, बाकी हम बता देते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर, आप भूल गए हैं कि आप क्या हैं। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। आप डिवाइन चाइल्ड हैं, तो प्लीज़ अपनी पावर में आइए, ठीक है। लेकिन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बात आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, ये स्पाइडरमैन ने बोला था, ठीक है, कि पावर के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत भर भर के आती है। हमारे कर्मा फैमिली है भाई, कर्मा बिलीवर्स के लोग हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। कर्मा पे भरोसा करने वाले ईश्वर की सच्ची संतान, तो हमें पता है कि आप अपने पावर का नाजायज़ फ़ायदा तो कभी नहीं उठाएंगे। नो 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 नो, कभी नहीं, कभी नहीं, हमारे कर्मा बिलीवर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं भाई। तो भुक्त भोगी हैं भाई, ऑलरेडी बहुत झेल चुके हैं, कुछ भी ऐसा तो कतई नहीं करेंगे जिससे उनको पता है कि भाई अगर किसी को ऐसा कुछ बोल दिया तो कर्मा ख़राब हो जाएगा, किसी के लिए ऐसा सोच लिया तो कर्मा ख़राब हो जाएगा, किसी को जो है हर्ट करा, कर्मा ख़राब हो जाएगा। तो एटलीस्ट करने से कुछ गलत मन में भी आएगा ना भी विचार, तो आपको जो है एकदम से याद आएगा, अरे बाप रे कर्मा ख़राब हो जाएगा, वैसे ही बहुत झेल लिया है भाई, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जाने दो। उस सिचुएशन से भाग लेंगे आप लोग, लेकिन अपने कर्मा तो कतई ख़राब नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो, ठीक है। लेकिन आपने ये देखा ना, कार्ड देखा ना, हमने क्या बोला था आपको कि एकदम क्रिस्टल क्लियर मैसेज आएगा, सोर्ड ऑफ लाइट ओरेकल का कार्ड है ये। अपनी पावर में आइए प्लीज़, जो भी आप करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उस पर ध्यान दीजिए, बाकी वाकई में बाकी जाने दीजिए सब कुछ, ठीक है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, आपको भी पता है, ठीक है, और टेम्पररी भी नहीं होती है। चीज़ों में बदलाव आता है, मनुष्य आया है तो मनुष्य जाएगा भी दुनिया से, ठीक है, कुछ भी लेके नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मा लेके जाएगा। तो बस यही है। तो चलिए हम चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत भगवान जी ने एकदम एक्यूरेट मैसेज दिया है। 13 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 21 नंबर आया है, 20 नंबर आया है, और यहाँ पर आया है 13 नंबर, और एक और नंबर आया था यहाँ पे मैजिशियन 1 नंबर, ठीक है। तो हो सकता है इनमें से आप लोगों के कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हो, ठीक है, और जितना रेजोनेट हुआ है उतना रेजोनेट कर रहा है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर रीडिंग मत थोपिएगा, बहुत सारे लोग देखते हैं, हो सकता है हमने कुछ चंद लोगों की एनर्जीज ग्रैब की हो, ठीक है, हो सकता है आपकी एनर्जीज इनमें ना आई हो, तो ज़बरदस्ती ये मत सोचिएगा कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, हम तो खुश हैं, तो इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरी वन, ठीक है। और हम चलते हैं, जल्दी मिलेंगे एक नई रीडिंग पे, और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा जाके, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।